हेलो दोस्तों, आप सभी कोरोना वायरस को तो जानते ही हो, जो कि आज पूरे विश्व में वैश्विक महामारी बन चुकी है। पिछले साल 2019 से लेकर आज तक पूरे 4 महीने गुजर चुके हैं और इसकी तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जो कि आज मौत का आंकड़ा करीब करीब 2 लाख के पास पहुंच चुकी है और ये आंकड़ा कुछ ही दिनों में 2 लाख से ऊपर भी हो सकता है। और ये संक्रमण वहीं कहीं 23 लाख लोगों के पास पहुंच चुका है, और जिससे राहत की बात सिर्फ इतनी ही है कि 4 लाख लोग इस बीमारी से अपने आप को खींच लिए हैं। और अगर सिर्फ हमारे भारत की बात करें तो पिछले सिर्फ 3 हफ्तों में ही ये आंकड़ा 500 से लेकर 10,000 के पास पहुंच चुकी है और यहाँ 250 से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है। इस चीनी वायरस ने ना कि सिर्फ भारत की ही बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को ठप करके रख चुका है। ये बीमारी आ गई वो तो ठीक है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस महामारी का अंत कैसे और कब होगा। कैनिको और महामारी विशेषज्ञों ने बताया कि ये वायरस बिल्कुल ही नया है, जिसकी रोकथाम के लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बना है, जिससे इस वैक्सीन को रिसर्च करके इसको बनाने में और इसको आप सबके पास पहुंचाने में कुछ नहीं तो कम से कम 12 महीने का समय जरूर लगेगा। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी देखना, मैं आपको इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। चलो दोस्तों, पहले तो इस महामारी के इतिहास को जान लेते हैं। दिसंबर 19 को चाइना के वुहान शहर में एक सी फूड मार्केट में 14 निमोनिया के केस नोटिस किए गए, जिसके लक्षण बहुत ही अजीबोगरीब थे। जल्द ही वहां के डॉक्टरों की टीम को पता चल गया कि ये वायरस बिल्कुल ही नया है। चाइना के गवर्नमेंट ने तत्काल ही सी मार्केट को बंद कर दिया। दोस्तों, तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी, जिसमें 11 लोगों की चाइना में पहली मौत हुई और देखते ही देखते ये वायरस दूसरे देशों में भी फैलना शुरू हो गया। थाईलैंड, यूएस, इटली, चीन, स्पेन, जर्मनी, ये सब देशों में ये वायरस के मरीज दिखना शुरू हो गए, जिससे जनवरी के आते आते WHO ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया। US के प्रेसिडेंट ट्रम्प ने चाइना से आने वाले को अपने देश में बैन कर दिया। फरवरी ही वो महीना था जब इस वायरस को COVID-19 नाम दिया गया। मार्च के पहले हफ्ते में ही इस वायरस ने विकराल रूप धारण करने लगा और WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित कर दिया। हम फिर अपने सवाल पर आते हैं, अगर क्या होगा ये महामारी अगले 12 महीने तक यूं ही अपना कहर बरसाती रही। दोस्तों, 17 मार्च को US गवर्नमेंट और उसकी एक टास्क फोर्स का प्लान लीक हो गया, जिसमें ये संभावना जताई गई थी कि ये महामारी से पूरी तरह निजात पाने के लिए कम से कम 12 महीने का समय या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। और इसमें यह भी बताया गया कि ये वायरस एक बार ही नहीं बल्कि बार बार और कई बार अटैक कर सकती है। इसका मतलब ये है कि ये वायरस एक बार खत्म होने के बाद बार बार और दोबारा वापस आ सकता है। हाल ही में भारत में ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में ठीक हुए 500 लोगों में से 91 लोग में ये वायरस फिर से एक्टिव हो गया था। दोस्तों, आज स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, पूरी तरह एजुकेशन सिस्टम, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, बाजार, दुकानें सभी बंद पड़े हैं। पर सवाल ये है कि ये लॉकडाउन कब तक लगाया जा सकता है। अगर 12 महीने तक इस लॉकडाउन को चालू रखा गया तो लोग कोरोना के साथ साथ भुखमरी से भी मर जाएंगे। अगर सिर्फ हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में फसलें तैयार होकर खड़ी है, जिसे काटने के लिए कोई साधन नहीं है। ये फसलें नहीं काटी गई तो ये खराब हो जाएगी, और आप सोच भी सकते हैं कि बिना फसल के क्या होगा, ये बताने की कोई जरूरत नहीं होगी। आज पूरा विश्व इस वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए लगा हुआ है, और जब तक ये वैक्सीन नहीं बनता तब तक इस वायरस की चैन को तोड़ना ही एकमात्र उपाय है। इसलिए जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, जितना हो सके आसपास सफाई रखे, और बार बार अपने हाथों को साबुन या अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से धोते रहे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही उस बेल आइकन को दबा दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।